ओम शांति। 29 अक्टूबर 2000 का व्यक्त संदेश है। टाइटल है, तीन बीज हरेक को बोने हैं। पहला शुभ भावना, दूसरा कल्याण भाव और तीसरा निस्वार्थ साधना। मानेसर दिल्ली की नई जमीन पर फाउंडेशन सेरेमनी के निमित्त बाबा का संदेश है। आज अमृत वेले बाप दादा के पास पहुंची तो क्या देखा? बाप दादा बहुत बहुत प्रेम के सागर स्वरूप में सामने खड़े थे। ऐसा प्यार का स्वरूप इमर्ज था जैसे सागर में नदियां जाकर समा जाती है। ऐसे आप सब आए हुए और अन्य भी बहुत प्रेम सागर में प्रेम में लवलीन हो रहे हैं। मैं भी कुछ समय तो उसी समाए हुए रूप में खोई हुई थी। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची क्या संदेश लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो चारों ओर के विशेष ब्राह्मण आपकी दी हुई गिफ्ट दिल्ली की जमीन पर पहुंचे हुए हैं। बाबा बोले, बच्ची दिल्ली को तो बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है। मैं बोली, बाबा ये धरनी तो आपने बेहद के सेवा प्रति दी है, तो सर्व की है ना? बाबा बोले, हाँ बच्ची, सबके राज्य की गद्दी तो दिल्ली ही है। सबसे पूछना, आप सबको याद है कि आप सबने कितने बार यहाँ राज्य किया है? तो किसी ने कहा, अनगिनत बार। तो आप सबकी हुई ना? हुई ना सभी की? कहे, हाँ जी बाबा। तो मैंने कहा, बाबा सब की है। बाबा बोले, सर्व ब्राह्मणों को दिवाली की दो गिफ्ट मिली है, एक मानेसर में और दूसरी सोनीपत में। फिर बाबा बोले कि इतने सब ब्राह्मण आए हैं तो हर एक ब्राह्मण को या जो नहीं भी आए हैं सर्व को अपनी तरफ से बीज जरूर डालना है। एक तो भंडारी में तो डालते ही हो, लेकिन विशेष बीज जो सबको धरनी में डालना है वह एक है श्रेष्ठ शुभ भावना का बीज, दूसरा सदा हर कार्य करते हर एक के संपर्क में आते हुए कल्याण का भाव रखना है। तो एक भावना, दूसरा भाव और तीसरा निस्वार्थ साधना। तो बीज तो कौन से? तीन बीज डालने को कहा बाबा ने, एक श्रेष्ठ भावना, दूसरा कल्याण का भाव और तीसरा निस्वार्थ साधना। तो ये तीन बीज मिलाकर डालना है। चाहे आज हाजिर है, चाहे विदेश में है, चाहे देश में है, सबको डालना है। उसके बाद बाबा ने पूछा, और क्या समाचार लाई हो? तो मैंने कहा, बाबा आज विदेश देश में सब तरफ बहुत अच्छी सेवाएं चल रही है। एक तरफ कल्चर ऑफ पीस का चल रहा है, दूसरे तरफ भारत में वर्गीकरण की सेवाएं बहुत अच्छी चल रही है, विशेष आत्माएं आ रही है। तो बाबा बोले, बाप दादा बच्चों की सेवा को देख खुश है और मुबारक भी देते हैं, लेकिन अभी तक बाप दादा की एक आशा का दीपक जगाया नहीं है। जगाया है लेकिन पूरा नहीं, टिमटिमा रहा है। वह है अभी तक, सब ये तो मानते हैं कि ये भी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन ये कहे कि ये एक ही है, यही है, और सब की बुद्धि एक ही बाप तरफ जाए और सब जाने कि ये वही है, तब तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अभी तो आपने झंडा लहराया, वह भी लहराना है, लेकिन अब ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। उसके बाद बाबा बोले, सब बच्चे हर तरफ से उमंग उत्साह से आए हैं, ये देख बाप दादा बहुत खुश है। तो बाप दादा भी हर एक बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं, वह है जिम्मेवारी का ताज। हर एक समझे
हमने वाइब्रेशन द्वारा व शुभ भावना द्वारा व किसी भी रूप से सहयोगी बनने का जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है और सभी बच्चों को बाबा की तरफ से नाम सहित विशेषता सहित याद प्यार देना। हरेक का नाम तो बाबा नहीं लेता, लेकिन दिल में नैनों में एक एक बच्चे को इमर्ज कर हर एक को बहुत बहुत याद प्यार और त्रिमूर्ति उत्सव अर्थात दिवाली, नया वर्ष और भैया दूज की अरब खरब बार मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:45 बजे। ओम शांति।